जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करने के भारत सरकार के फैसले के बाद से घाटी में जनजीवन से धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। इस बीच भारतीय राजनयिक द्वारा जम्मू कश्मीर में इजरायली मॉडल को अपनाने का समर्थन करने के बाद इसकी चर्चा भी तेज हो गई है कि क्या भारत कश्मीर मामले में इजरायली रणनीति पे काम कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले आपको इजरायल मॉडल के बारे में बताते हैं और जिसे कश्मीर में लागू किया जा सकता है। दरअसल 1967 में इजरायल ने पड़ोसी देशों के साथ हुए युद्ध के बाद जितने भी इलाकों पर कब्जा जमाया वहां उन्होंने अपने लोगों को बसाने की नीति अपनाई। और आपको यहां बता दे, इसमें वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलम और गोलान की पहाड़ियां शामिल है। और आपको यहां बता दे, 1967 के युद्ध से पहले वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलम पर जॉर्डन का अधिकार था और वहीं गाजा पट्टी पर मिस्र का कब्जा था। और इस युद्ध के बाद इसराइल ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा मान्यता प्राप्त ग्रीन लाइन के बाहर का इलाका इसराइल की सुरक्षा दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण था। और इसके बाद इसराइल ने सर्वसम्मति से अपना विस्तार करने का फैसला किया और इसके लिए सरकार ने अपने खर्च पर ग्रीन जोन से बाहर कॉलोनीज बसानी शुरू कर दी। और अब यही मॉडल जम्मू कश्मीर में अपनाया जा सकता है।